हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में डिवीजन को लेकर के जो डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग लिब्रा डेटाबेस में जो आपको कंफ्यूजन है वो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लिब्रा डेटाबेस मेरे पास पहले से ओपन है। आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, ये जो दिख रहा है ना सबसे ऊपर, इस पे करना है क्लिक। ठीक है, अगर आपने डेटाबेस को डाउनलोड नहीं किया यानी कि लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया तो आप सीधा गूगल पर चले जाइए। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास एक ठीक ठाक सिस्टम होना चाहिए जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो। तो आप यहाँ पर क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे चले जाइए। और इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए आपको कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और ये सॉफ्टवेयर लिनक्स में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आप आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक फील्ड डालता हूं मैं, नम वन। ठीक है, यहाँ पे नम वन रख लिया हमने। टैप प्रेस करता हूं, टैप प्रेस करके यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड फील्ड में। तो सेकंड फील्ड को नाम दे देता हूं नम टू। तो पहले को नाम दिया नम वन और सेकंड को नाम दिया नम टू। अब यहाँ पर टोटल करने के लिए आपको टोटल नाम का टाइटल देने की जरूरत नहीं। यहां पर आ रहा है वेर कैर टेक्स्ट डेटा टाइप आ रहा है तो हमें इसे कर लेना है नंबर। ठीक है, नंबर में ही तो हम डिविजन का काम करेंगे। तो यहाँ पे नंबर कर लिया हमने और हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ डिव। ठीक है, ये डिव नाम दे दिया हमने और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया। अब ये कह रहा है प्राइमरी की तो हमने दिया नहीं, तो यस कर देते हैं। ऊपर एक आईडी नाम से प्राइमरी की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और अब यहाँ से क्लिक करके और इसको क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पर डिव नाम की टेबल बन चुकी है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिव नाम की टेबल आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई नंबर एंटर करता हूँ वन और यहाँ पर एंटर करता हूँ टू। ठीक है, यहां पर एंटर करता हूं 3.5। तो क्या हम पॉइंट में वैल्यूज एंटर कर पाएंगे, तो 3.5 यहां एंटर तो कर दिया है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। कब ये एक्सेप्ट करेगा ये चलिए वो भी दिखा देता हूं। यहां पर वापस चलते हैं और इसे कर लेते हैं एडिट। यहां पर आ चुके हैं हम। अब अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहां पर डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है, अगर डेसिमल प्लेसेस मैं 2 कर देता हूं। ठीक है, 2 कर दिया है हमने। अब यहां पर भी आते हैं तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, डेसिमल प्लेसेस 2 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव भी कर दिया और अब इसको क्लोज करता हूं। यस, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। अब ये फिर वैसे ही ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो सेकंड डेटा एंटर करना है तो यहाँ पर आईडी एंटर कर दिया 2 और यहाँ पे 2.5 एंटर करता हूँ, देखता हूँ ये ले लेता है या नहीं। तो यहाँ पे 6.99 एंटर करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डेसिमल में भी वैल्यूज ले ले रहा है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 6 को 3 से। ठीक है, और यहां पर डिवाइड करेंगे 6 को 2 से। ठीक है, फिर हम डेसिमल वैल्यूज भी लेकर के देखेंगे। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां से इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमें कहां जाना है, क्वेरीज पे जाना है। तो ये क्वेरीज पे आते ही आपको क्वेरी डिजाइन व्यू दिखेगा। यहां पर आ जाइए और यहां पर डिव को एड करवा लीजिए और एड करवा लेने के बाद ये सारी फील्ड ले लीजिए आप। जैसे आईडी है, डबल क्लिक कीजिए, आईडी आ जाएगी यहाँ पे। नम वन ले लीजिए, फिर नम टू ले लीजिए और बस यहां पर आपको रखना है कर्सर को। और यहां पर थोड़ा इसकी विथ मैं बढ़ा देता हूं और यहां से आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाना है, डबल एटेड कोर्ट्स में लिखना है। ठीक है, तो यहां पे नम वन को डिवाइड करना है नम टू से, तो डबल एटेड कोर्ट्स क्लोज अपॉन नम टू। ठीक है, नम वन अपॉन नम टू। अब ये नम टू भी डबल एटेड कोर्ट्स में होगा, अदरवाइज ये कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों डबल एटेड कोर्ट्स में रखिए। और अब इस फील्ड को एक नाम दे देता हूं अलियास, जो लिखा हुआ है यहां पर आकर के इस फील्ड को नाम देना है रिजल्ट। ठीक है, यानी रिजल्ट क्या आया वो यहां पे आएगा, यानी रिजल्ट जो है टाइटल में स्टोर हो जाएगा। जैसे आईडी टाइटल है, नम वन टाइटल है, नम टू टाइटल है, वैसे ही रिजल्ट जो है टाइटल में जाके स्टोर हो जाएगा और आपको वहां टाइटल दिखेगा। यहां पर मैं कर देता हूं डिविजन। ओके, क्वेरी को नाम क्या दे दूंगा, डिविजन। ये डिविजन नाम दे दिया और यहां से ओके प्रेस कर दिया। और अब हमें क्या करना है, हमें इसे सेव कर लेना है। तो सेव तो हो ही चुका है, यहां से कट कर देते हैं और अब यहां से डिवीजन पे चलते हैं। तो ये इस तरह से देख सकते हैं, अगर 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा। अगर मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं 64 और इसे डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या, पर प्राइमरी की एंटर नहीं करी है मैंने, अब यहां पर ये आ जाएगा तो 32 यहां पे आ चुका है। अब बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर की। तो यहां पे 4 नंबर का आईडी एंटर कर लेते हैं और किस बार मैं एंटर करता हूं 65.2। ठीक है, क्या ये डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा इसको, आइए देख लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं 32.6 आया हुआ है, यानी कि डेसिमल प्लेसेस आप जैसे ही ले लेते हो नंबर डेटा टाइप हो तो भी, तो यहां पर इस तरह से ये आ जाएगा। क्या इंटीजर डेटा टाइप भी लेने पे हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा, तो इसके लिए
हम क्या करते हैं, एक अलग से टेबल बना लेते हैं, इसको क्लोज कर देता हूं और यहां पर हम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्वेरी नहीं बल्कि टेबल क्रिएट करना है हमें, तो टेबल पे चलते हैं, दूसरी टेबल क्रिएट करेंगे और यहां से डिजाइन व्यू पर ले लेते हैं, यहां पे कर देते हैं नम वन, वही सेम चीज, और फिर यहां पे कर देते हैं नम टू हमने, और यहां पर इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे ले लेंगे हम डेसिमल। ठीक है, ये डेसिमल ले लिया हमने, और डेसिमल ले लेने के बाद यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर भी ले लेते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल डेटा टाइप को देख लेते हैं एक बार, और यहां पर देख सकते हैं यहां पर डेसिमल प्लेसेस जीरो है, यहां पे हम रख लेते हैं टू। ठीक है, यहां पर टू रख लिया और इसको सेव कर लिया। अब यहां पे टेबल वन के ही नाम से इसे सेव कर लेता हूं, प्राइमरी की असाइन हो जाएगी ऊपर आईडी के नाम से बाय डिफॉल्ट, इसको सेव कर लिया हमने। और अब आते हैं क्वेरी में, तो यहां पे टेबल वन में क्वेरी लगानी है हमें, तो टेबल वन पे क्लिक रख के, ठीक है, और अब क्वेरी बनानी है, तो क्वेरी डिजाइन पे आ गए, तो टेबल वन हमें लेना है, तो ये ले लिया टेबल वन। अब हमें ये सारे फील्ड्स चाहिए, तो यहाँ पे एक एक करके सारे फील्ड्स को इंसर्ट करवा लेता हूं, और यहां पर जो हमारा लास्ट वाला फील्ड है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करवाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल डॉटेड कोट्स में लिखेंगे नम वन, ये लिख दिया हमने नम वन। ठीक है, और डबल डॉटेड कोट्स क्लोज अपॉन, यहाँ पे डबल डॉटेड कोट्स में फिर वापस से लिखेंगे नम टू। ठीक है, तो नम वन अपॉन नम टू कर दिया हमने, और इसके विथ को थोड़ा बढ़ा लेता हूं, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा ये, तो ये इस तरह से हो गया है। अब यहां पर इस फील्ड को क्या नाम देना चाहते हैं वो देख लीजिए, जैसे मैं नाम दे देता हूं डिप, ठीक है, यही नाम दे देता हूं, और यहां से इसको सेव कर लेता हूं, क्वेरी वन के नाम से सेव कर लेते हैं इस बार, और यहां से कट कर देते हैं, और यहां पर क्वेरी बनी हुई है क्वेरी वन। अब यहां पर आ जाते हैं, देखते हैं ये काम करता है नहीं, यहां पे आईडी वन दे दिया हमने, और यहां पे लिखता हूं 24, ठीक है, 24 दे दिया है हमने, और यहां पे 2, तो ये डिवाइड कर देगा, 12 आ गया। ठीक है, अब यहां पे दे देता हूं आईडी 2, और यहां पे देता हूं 3, और इसको 2 से डिवाइड करता हूं, देखता हूं यहां पे आता है या नहीं। तो यहां पे देख सकते हैं, जैसे ही हमने 2 दिया है तो यहां पे 1.5 आ जा रहा है बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं तीसरे टेबल की, तो यहां से तीसरा टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं डिजाइन व्यू पे जाकर के, और यहां पे कर देते हैं नम वन, ठीक है, और यहां पे नम टू कर देंगे, तो ये कर दिया हमने नम टू, तो एक नम वन और दूसरा नम टू, और यहां पर हम इन दोनों के डेटा टाइप को चेंज करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल भी देख चुके हैं, अब हमें इंटीजर देखने की बारी है, तो यहां पे इंटीजर कर दिया हमने। अब यहां पे देख सकते हैं, यहां पर कोई भी डेसिमल वैल्यू हमें डालने के लिए नहीं दे रहा है, ये देख सकते हैं यहां पर कोई भी डेसिमल वैल्यू हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आ रहा था डेसिमल प्लेसेस। अब यहां पे देखिए, ये जैसे ही हम नम वन में आते हैं, रियल डेटा टाइप हमने चूज कर लिया यहां पे। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीजर रखना है, तो जैसे ही इंटीजर रखेंगे तो यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे जैसे इंटीजर लिखेंगे तो यहां पर डेसिमल प्लेसेस हट जाएगा, क्योंकि इंटीजर या तो प्लस में वैल्यू होल्ड करता है या तो माइनस में करता है। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को इंटीजर रखते हैं, देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। तो ये इंटीजर रख दिया और ये भी इंटीजर रख दिया, दोनों को सेव कर लिया टेबल टू के नाम से, यहाँ पे प्राइमरी की असाइन हो जाएगी जैसा कि आप जानते हैं खुद ब खुद। यहाँ पे इसे कट कर देता हूं, और अब टेबल टू के लिए हमें क्वेरी बनानी है, तो यहाँ पे टेबल टू पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेरी पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे क्लिक कर लेते हैं, तो टेबल टू के लिए क्वेरी बना लेते हैं, तो यहाँ पे जाके ऐड करवा के, और इन सारे फील्ड्स को लेना है, तो आईडी नम वन और नम टू ये ले लिया हमने, और यहाँ पर एक है डिवाइड, तो यहाँ लिखता हूँ डिवाइड। ठीक है, तो ये डिवाइड लिख दिया, और यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, और इसकी विथ को थोड़ा बढ़ा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। अब यहाँ पे क्या करना है, डबल डॉटेड कोट्स में लिखना है, क्या लिखना है, नम वन, ठीक है, क्लोज किया अपॉन नम टू, ये लिख लिया हमने, तो इसको क्लोज किया डबल डॉटेड कोट्स क्लोज, यहाँ पे ओपन भी करेंगे तभी तो क्लोज करेंगे, ये लिख लिया हमने, और यहां से इसको सेव कर लिया। ठीक है, क्वेरी टू के नाम से सेव कर रहा हूं, यहाँ पे गए, अब क्वेरी टू को रन करवाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आईडी आ रहा है, यहाँ पे 11 करता हूँ आईडी नंबर, और यहाँ पे कर देता हूँ 13। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कराते हैं, देखते हैं आंसर आता है या नहीं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 से डिवाइड कराने पर 6 आ रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे 12 आईडी दे देते हैं, और यहाँ पे 12 आईडी देते हैं, यहाँ 15 करता हूँ, ठीक है, तो 15 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कराता हूँ तो आंसर 7 आ रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहां पर आता हूं थर्ड, यहाँ पे आईडी देता हूँ 13, और इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ 91। ठीक है, और इसे मैं डिवाइड कराता हूँ 5 से। ठीक है, तो जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 18। आप देख सकते हैं कि 18 5 जा 90 होता है, और 90 में 1 जो रिमाइंडर बच रहा है ये उसको नहीं ले रहा है। तो इंटीजर जब भी आप यूज करेंगे तो या तो प्लस में वैल्यू होल्ड करेगा या तो माइनस में होल्ड करेगा। ठीक है।